वैसे भी मैं ज्यादा बोलती नहीं, वरना सब बोलेंगे छोटी है पर बोलती बहुत है। लेकिन मौसी जी अभी कोई बात हुई? भैया को ऑफिस गए हुए 2 घंटे से ज्यादा हो गया। लेकिन अभी तक आपकी बहू मेरी प्यारी सी भाभी ऊपर से नीचे ही नहीं उतरी। ये कोई तरीका है? देखिए घर की बहुओं को ना बहुओं की तरह रहना चाहिए। अब मैं लड़की हूँ, मैं चाहे जितने बजे उठूँ फिर भी मैं जल्दी उठी ना। आपको मालूम है कल रात से मेरा सर कितना दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे ज्यादा बात भी नहीं हो रही है। मैंने भाभी से बोला, भाभी प्लीज गरम तेल की मालिश कर दो ना, मेरा सर दर्द हो रहा है। तब से लेके अब तक भाभी का कोई पता ही नहीं है और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मुझसे तो बात भी नहीं हो रही है। भाभी पता है मैं अभी मौसी जी से आपके बारे में बात कर रही थी। आई क्या है ये? ओह माय गॉड, आप मेरे लिए गरम तेल लाई है, मालिश करेंगी मेरे सर में? यू आर सो स्वीट। अरे मौसी मैं तो आपको एक बात बताना ही भूल गई, जब आप सुबह मंदिर गई थी ना, भाभी ने इतनी अच्छी चाय पिलाई, इतनी अच्छी चाय पिलाई कि वैसे भी मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ, उस चाय के लिए तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। अच्छा भाभी सुनिए ना, ये तेल यहीं पे रख दीजिए, पहले मुझे आधी कप कॉफी पिला दीजिए प्लीज। थैंक यू, बहुत अच्छी है आप, बहुत लकी है आपको इतनी अच्छी बहू मिली और मुझे इतनी अच्छी भाभी। जाइए भाभी कॉफी ले रही। छी मौसी जी, इन्होंने सुबह जो चाय बनाई थी ना, दूध नाम की चीज ही नहीं थी, कंजूस परिवार से आई है। सर इन्हें बताइए, हम लोग थोड़े अच्छे लोग हैं, हम लोग दूध की चाय पीते हैं। वैसे भी मैं ज्यादा बोलती नहीं, वरना लोग कहेंगे छोटी है बोलती बहुत है। अब मेरा मुंह मत खुलवाइए, जाती हूँ मैं। नमस्ते, कॉफी नहीं पी। अरे नमस्ते,